प्रदेश की 5 नगर निगम सीटों पर मेयर पद का चुनाव बीजेपी सरकार के लिए नाक का सवाल बन गया है। यही वजह है कि बुधवार को जब मेयर पद के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया, पार्टी के बड़े नेता और दो दो कैबिनेट मंत्री इस मौके पर मौजूद थे। पानीपत में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही अवनीत कौर के साथ दोनों कैबिनेट मंत्री, विधायक, संगठन के महामंत्री और जिले के पदाधिकारी मौजूद थे। यानी मेयर पद बीजेपी के लिए जीतना प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। मोर देन 50% जो कैंडिडेट्स हैं आज महिलाओं को मिले हैं, तो सबसे पहले तो मैं महिला होने के नाते इस बात के लिए बहुत खुश हूँ। और दूसरी तरफ जिस तरह से आप इसको चुनाव की पूरब आहट कह सकते हैं और बहुत बड़ा एक चुनाव है, सेमीफाइनल इसको कह सकते हैं। सबसे पहले ऐलान किया कि भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, तो इस मामले में बाकी पार्टियां बैकफुट पे आई हैं, किसी ने दम नहीं दिखाया है। इसलिए जैसे बहन जी ने, कविता जैन ने बताया कि निश्चित तौर पर 5 के 5 जो हमारे जो नगर निगम के चुनाव उसमें मेयर बनेंगे और पार्षद भी पूरी मेजोरिटी में हमारे बनेंगे। पानीपत में मेयर पद की उम्मीदवार अवनीत कौर के नामांकन के वक्त भारी भीड़ उनके साथ थी। हालांकि मुकाबला कांग्रेस से ही माना जा रहा है, पर इनेलो बीएसपी गठबंधन का उम्मीदवार भी मैदान में आने से और बीजेपी में अंदरूनी खींचतान और भीतर घात से पार्टी के उम्मीदवार के लिए चुनाव कठिन बन गया है। देखो, मैं इस शहर की बेटी हूँ और ये जो सब लोग हैं ये मेरे माँ बाप है, तो ये लोग अपनी बेटी को जरूर वोट देंगे। अफ्टर ऑल हर आदमी इंसान है, किसी को एक दो दिन के लिए महसूस हो सकता है, पर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता निष्ठावान है। आप देखिएगा, ये चुनाव बहुत अच्छे तरीके से लड़ा जाएगा। गौरतलब है कि 5 नगर निगमों पानीपत, करनाल, यमुनानगर, हिसार और रोहतक में पार्टी किसी भी कीमत पर ये चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि ये 2019 की चुनावी फिल्म का ट्रेलर है। ट्रेलर दिलचस्प है तो फिल्म का इंतजार तो रहेगा ही। हरियाणा के 10 नगर निगमों में से अभी 5 नगर निगमों के चुनाव हो रहे हैं, पर टाइमिंग को देखते हुए सरकार ने मेयर पद को नाक का सवाल बना लिया है। यही वजह है कि पूरी कैबिनेट मैदान में उतार दी गई है। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।